जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान बौखलाया है और इसी तनातनी भरे माहौल के बीच नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया। नौसेना प्रमुख ने कहा कि हमें खुफिया सूचनाएं मिली है कि जैश ए मोहम्मद की अंडरवाटर विंग को जल क्षेत्र से हमले के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है और यह एक बदलाव है। साथ ही उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि हम इस तरह के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेवी चीफ से आतंकवाद के बदले स्वरूप और उससे निपटने के लिए नौसेना की तैयारी के बारे में जब सवाल पूछा गया तो नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना, समुद्री पुलिस, राज्य सरकारें और अन्य एजेंसियां ये सुनिश्चित कर रही हैं कि समुद्र से घुसपैठ नहीं हो। इसके साथ ही नौसेना प्रमुख ने अन्य समुद्री चुनौतियों की भी जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने देश के समक्ष समुद्री चुनौतियों का उल्लेख करते हुए सोमवार को कहा कि नौसेना को अपनी क्षमता निर्माण के लिए एक सुनिश्चित बजटीय समर्थन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा 2012 और 2013 में रक्षा बजट में नौसेना का आवंटन 18% था जो अब घटकर 13% हो गया है। इससे भविष्य की योजना और क्षमता विकास प्रभावित हो रहा है। नौसेना प्रमुख ने रक्षा कूटनीति कोष स्थापित करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा इस तरह से हमें 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे देश को आश्वस्त करने में मुश्किल हो रही है और समुद्री मोर्चे पर प्रोत्साहन की जरूरत है। उन्होंने कहा नौसेना की चुनौतियों में क्षमता निर्माण के लिए एक दीर्घकालिक बजटीय समर्थन की जरूरत शामिल है। यदि आप एक जहाज का निर्माण करना चाहते हैं तो इसमें कुछ साल लगेंगे और इसके लिए हमें बजटीय सहायता का आश्वासन दिया जाना चाहिए। दीपक कुमार, पंजाब केसरी, स्टूडियो दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।